हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। नाम तो सुना होगा। और ये है मेरी जादुई काली। नमस्कार। सही किया ना मैंने? बिल्कुल सही। आदाब अलादीन, मैं हूं बालवीर। नाम शायद ना सुना हो पर काम एक ही है हमारा। वीरलोक में स्वागत है तुम्हारा। अब होगा असली खेल शुरू। ये है भविष्य का गर्भ और ये है भविष्य मणि। इस नायाब भविष्य मणि को हासिल करने के लिए हमें इस हिफाजत घेरे के अंदर दाखिल होना होगा। विवान ने मुझे सब बता दिया। तिमनासा, चिनू, काल लोग और महात्रिकाल सिंहासन। महात्रिकाल सिंहासन, उन सब के बारे में मुझे पता चल चुका है। अब तुम मुझे ये बताओ बालवीर कि विवान के यहाँ से जाने के बाद क्या क्या हुआ था और मेरा भाई चिनू कहाँ है। अगर इस मणि की हिफाजत ये किरणें कर रही हैं तो मेरी हिफाजत तुम करो इन किरणों के और मेरे बीच में ढाल बनके। जो हुक्म भैरानी। मैं जानता हूँ अपने भाई जीनू को। उसे चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े, बिना किसी वजह के वो चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मिश्री की डली जैसा दिल है उसका। इसका मतलब तिमनासा ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिसके कारण तुम्हारा भाई जीनू उसके काबू में है। फिक्र मत करो बालवीर, तो सिर्फ ही तिमनासा को रोकने में और इसके इरादों को नाकामयाब करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और तुम्हारे भाई जीनू को वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शाबाश जीनू जी, शाबाश। अब तीनों कालों में होगी मेरी जय जयकार। अब वक्त की लगाम और ब्रह्मांड का अंजाम मेरी मुट्ठी में है। मेरी अम्मी हमेशा कहती है, जुल्म की आंधी कितनी भी तेज हो जाए अच्छाई के हौसले को तोड़ नहीं सकती। और अब तो अतीत और वर्तमान ने भी हाथ मिला लिया है। पर पुंगी बजेगी, वो भी दसों दिशाओं से। अच्छाई की होगी जीत, बुराई की होगी हार, जब हम सब है साथ। तुम
ये पोशाक, एक से एक नया हथियार, आप लोग तो चलता फिरता जादू है। मेरे पास भी जानलेवा काली। लेकिन इस कालीन में क्या जानलेवा हो सकता है? सोचो, जब हम अपने दुश्मन को 100 गज की ऊंचाई से नीचे गिराएंगे तो क्या होगा? केचप बन जाएगा उसका। क्या बन जाएगा? केचप मतलब वो लाल लाल सॉस होता है ना। खून? अरे खून नहीं, मैं बाद में खिलाऊंगा आपको। ठीक है। वैसे अलादीन, ये कालीन आइडिया तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सब लोग उड़ सकते हैं, इसलिए तुम्हें खास हथियारों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तू, मैंने आग उगलने वाली मशाल तो देखी है, शमशीर पहली बार देख रहा हूं। और ये है करामाती रस्सी। इस रस्सी में 100 हाथियों को एक साथ उठाने की ताकत है। इस करामाती रस्सी और शमशीर के लिए शुक्रिया बालवीर। अरे, ये क्या हुआ, कहाँ गया? अलादीन, ये हथियार आपके लिए है। जब भी आप चुटकी बजाएंगे, ये हथियार खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। बेटे की तुम चुटकी बजाते ही आ जाती और चुटकी बजाते ही गायब भी हो जाएगी। क्या बात है। तो चलो बालवीर, अब उस तिमनासा पे यलगार करते हैं। यलगार मतलब? मतलब हमला। माँ शौर्य, मैं वादा करता हूं आपसे, तिमनासा का महात्रिकाल सिंहासन चकनाचूर करके ही लौटूंगा। तो चले। बालवीर, नाम तो सुना हो। ये कौन है? दिल से बुलाया, अलादीन आए। निकल ले। चिडू, नाम में क्या रखा है? अलादीन भैया, वो देखो। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं,
लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। चिनू मेरे भाई, ये नाराजगी छोड़ दो और बगदाद चलो मेरे साथ। वहां पे अम्मी अम्मी तुम्हारे लिए शीर कौरमा बनाएंगी। हाँ। ढेर सारा बनाएंगी। उससे पहले मैं तुझे अपना लजीज घूसा खिलाऊंगा। दुनिया मरूद सी किन बारूद सा। अब ठीक तो हो ना? कहीं आपने गलत पकवान का नाम तो नहीं ले लिया? लगता है जिन्हों पर कोई बहुत गहरा जादू किया है। बेटे की तुम, मैं वहां से यहाँ कैसे आया? लपकप के जादू से। क्या बात है, क्या जादू है? मैं ठहरा रहा, जमीन चलने लगी, दिल धड़कने लगा, सांस थमने लगी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये गाना बन चुका है। बेटे की तुम, मैं जानता था कि मेरे गाने एक दिन बनेंगे जरूर। अरे धीरे धीरे जीवन देख लेगा। चुप चुप। तुमने जीनू की पीठ देखी? इतनी बड़ी चीज को देखने में समय लगता है। देखो गौर से, उसकी पीठ पे खंजर लगा हुआ है। हाँ। उसी खंजर की वजह से मेरा फूल जैसा जीनू पत्थर बन चुका है। फिर तो हमें इस खंजर को तुरंत बाहर निकालना चाहिए और जीनू को अपनी टोली में अंदर लेना चाहिए। लेकिन हम ये सब करेंगे किसे? इधर आओ। फिक्र मत करो अलादीन भैया, मुझे किसी भी तरह इस खंजर को निकालना होगा। थैंक यू अलादीन भैया। ना रहेगा सिंहासन और ना चलेगा तिमनासा का शासन। लगता है ये महात्रिकाल सिंहासन ऐसे नहीं टूटेगा, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे ये तो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन बोलने से भी ज्यादा हार्ड है।
ठीक है तुम? चिरू ठीक हो रहे? चिनू पुराने वाले पक्का हमेशा वाले भाई अलादीन नाम तो सुना होगा। ठीक है तू ठीक हो गया। अलादीन भैया आपने कर दिखाया। हमने कर दिखाया। चिंता मत करो भविष्य मणि मेरे पास, अब तिमनासा नहीं जीत सकते। बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाती। खंजर घोप दीजिए और अपना गुलाम बना लीजिए। वो दरअसल कहना मुझे अच्छाई की राह में नहीं चलना। चिन्नू तुम क्या कह रहे हो? शैतान की फूफी रानी के सामने तुम अपना सर क्यों झुका रहे हो? लेकिन मेरा सर है, मैं कहीं भी झुकाऊं तुम्हें क्या? तुम अपना सर बीच में मत डालो। वो दरअसल कहना भैरानी, मैं जब से बुरा बना हूं ना, तब से मुझे ऐसी आजादी महसूस हुई है कि कुछ पूछिए ना। इसीलिए आपको खुदा का नहीं, मेरा मतलब है शैतान के वास्ते मुझे अपना गुलाम बना दीजिए। We'll be right back.
बहना। जरा देख के उड़ो, सामने ही नहीं पीछे भी, दाएं नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। वैसे ये गाना तो बहुत पहले ही बन चुका है, लेकिन जिसने अपने कानों में बुराई की रुई लगा रखी हो उसे अच्छाई के गाने कहाँ सुनाई देंगे। अब इस सिंहासन पर हम बैठेंगे और बनेंगे तीन काल के तीन सम्राट। ताकत पाकर बेकाबू होना कोई तुमसे सीखे तिमनासा? पार्टनर, हमें जल्द से जल्द इन मणियों को अपनी जगह वापस भेज देना चाहिए। अरे देखिए, ये मणियां तो सारी भूतकाल के दरवाजे की तरफ जा रही है। हाँ, ये मैंने किया है। दरअसल जफर ने मुझे हुक्म दिया था कि ये तीनों मणियां उस तक पहुंच जाएं। बिन मलिका साहिबा की तरफ बगदाद में भी एक पागड़ बिल्ला है, तो ये वहम है कि वो किसी को भी पंजा मार सकता है। और हाँ पार्टनर, मैंने वहाँ भयमार को जफर के साथ देखा था, कहीं ये तिमनासा का कोई और प्लान हो सकता है। अलादी, फिर तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी वो जफर की कब्र खोदने में। पार्टनर, मैं भी साथ चलूंगा। एक से भले दो, दो से भले तीन। नहीं विवान, तुम यही रुको और वीर लोग जाकर परी माँ की देखभाल करो। ठीक है, चलो। टी फॉर टिम्मी आंटी को, बी फॉर बाय बाय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.